Hi friends, welcome to my channel Learn What You Understand SYBF Sem 4. So हम लोग चालू कर रहे हैं अभी FA के साथ. FA का ये हमारा फर्स्ट वीडियो है Sem 4 के लिए. फोर्थ लेसन हम लोग करेंगे प्रॉफिट पेयर इनकॉर्पोरेशन. ये इस सेम में सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है, इसलिए हम लोग पहले ले रहे हैं इसको. ठीक है, जस्ट थोड़ा सा लॉजिक लगेगा और कुछ नहीं है. फोर्थ लेसन प्रॉफिट पेयर इनकॉर्पोरेशन. ओके, सो अभी मतलब हम लोग नॉर्मली फॉर्मेट और बेसिक चीजें इसमें देख लेते हैं. पहले इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या, रजिस्ट्रेशन. ओके, अब प्रॉफिट पेयर मतलब रजिस्ट्रेशन से पहले का प्रॉफिट क्या है, हम लोग को यही सारी चीजें तो देखना है. प्री एंड पोस्ट रजिस्ट्रेशन से पहले और बाद में का. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए बी फर्म है, ठीक है, और एक सी डी कंपनी है. ए बी सी डी कंपनी ने ए बी फर्म को क्या किया है, परचेज किया है 1st 4th 2017, 1st अप्रैल को डेट ऑफ परचेज. ओके, ये एक पॉइंट हुआ. सेकेंड पॉइंट आपका क्या है कि ये वाला तो एक्चुअली में रॉन्ग वाला है. ठीक है, नेक्स्ट क्या था, जो हमारा जो अभी परचेज तो हो गया, नेक्स्ट क्या बचा है, रजिस्ट्रेशन. तो रजिस्ट्रेशन कब हुआ है, 1/9/17 रजिस्ट्रेशन का डेट था इनकॉर्पोरेशन. ठीक है, और ईयर एंड कब होता है आपका, 31/3/2018. अब जो आपका डेट ऑफ परचेज और रजिस्ट्रेशन के बीच में कितना मंथ्स है, 5 मंथ्स. और रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन से ईयर एंड तक आपके पास कितना मंथ्स है, 7 मंथ्स. सो ये आपका एक रेशियो बन जाता है 5:7, इसको आप बोलते हो सेल्स सॉरी टाइम रेशियो, टाइम का रेशियो. अब इस टाइम के रेशियो के बेसिस पे आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हो. जैसे आपको बोला है कि फुल ईयरली में आपके पास 29 लाख रुपीज का क्या है, 29 लाख रुपीज का आपके पास प्रॉफिट है या कोई एक्सपेंस है, कुछ भी है. ठीक है, अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा प्री कौन सा है, पोस्ट कौन सा है, रजिस्ट्रेशन से पहले वाला कौन सा है, रजिस्ट्रेशन के बाद वाला कौन सा है. इस जो रेशियो हम लोगों ने जो अभी बनाया है उससे हम लोग को मालूम पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, यू हैव टू ऑलवेज कंसिडर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. कभी भी कौन सा डेट आपको कंसिडर करना है, इनकॉर्पोरेशन का. ठीक है, इनकॉर्पोरेशन यानी रजिस्ट्रेशन का. ठीक है, और रजिस्ट्रेशन एज अ डिवाइडिंग पॉइंट के लिए कौन सा रजिस्ट्रेशन का डेट, द अमाउंट ऑफ प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन. ठीक है, हम लोगों ने जैसा अभी किया, क्या किया हम लोग ने, ये हमारा बेस था, इधर से इधर तक हमारे पास 5 मंथ्स, इधर से इधर तक हमारे पास 7 मंथ्स थे. देयर आर थ्री रेशियोज, तीन टाइप के रेशियोज होते, पर जो सबसे इम्पोर्टेंट रेशियो होता है वो होता है सेल्स रेशियो. हम लोग एग्जाम इधर भी जो है हम लोग को दो ही रेशियो काम आने वाले, टाइम एंड सेल्स रेशियो. टाइम रेशियो तो एक टाइप से हम लोग देख लिया, सेल्स रेशियो क्या होता है, कभी भी ग्रॉस प्रॉफिट क्या दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सेल्स रेशियो. अब हाउ टू एसर्टन प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन से पहले का प्रॉफिट कैसे ढूंढोगे, मेथड टू बी फॉलो इज कम्बाइंड प्रॉफिट एंड लॉस. कौन सा मेथड यूज होता है, कम्बाइंड प्रॉफिट एंड लॉस. इन दिस मेथड फर्स्ट अ कम्बाइंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर. ठीक है, फॉर एंटायर ईयर एंड देन टोटल प्रॉफिट इज डिवाइडेड बिटवीन टू पीरियड्स ऑन अ लॉजिकल बेसिस. अब इसका मतलब क्या, पूरा मतलब आपके पास क्या होता है, एक तो प्रॉफिट और एक लॉस दोनों का पूरा कॉलम वगैरह सब बना के आप पूरे साल का रखते हो. उसमें से आप फिर जो भी अमाउंट होता है उसको, जैसे हमें टाइम और सेल्स रेशियो देखा, उस बेसिस पे आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो. राइट, दिस मेथड गिव्स ओनली सेपरेट प्रॉफिट बिफोर एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन. सेपरेट क्या करता है, प्रॉफिट करता है रजिस्ट्रेशन से पहले का और रजिस्ट्रेशन के बाद का. फॉर एसर्टेनिंग द प्रॉफिट ऑफ ईच पीरियड सेपरेटली, कम्बाइंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज डिवाइडेड इंटू बिफोर इनकॉर्पोरेशन दैट इज प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन दैट इज योर आफ्टर इनकॉर्पोरेशन. ठीक है, इफ द डिटेल्स रिगार्डिंग सेल्स आर नॉट अवेलेबल द ग्रॉस प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन द COGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और टाइम रेशियो. ठीक है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक इनकम क्या होता है, लेस होता है एक्सपेंसेस से, स्पेसिफिक इनकम. ठीक है, और क्या दिया हुआ है हमारे पास यहाँ पे, एक्सपेंसेस विच ओनली अ कंपनी कैन इनकर और चार्ज टू द पीरियड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन. ऐसे एक्सपेंसेस जो सिर्फ एक कंपनी चार्ज कर सकती है, दैट इज डायरेक्टर्स फीस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिबेंचर्स, इंटरेस्ट, ये सारे कौन, कंपनी चार्ज करती है आफ्टर रजिस्ट्रेशन. अब उससे पहले वाला क्या क्या होते हैं, पार्टनर को सैलरी, सैलरी टू वेंडर्स, ये
पीरियड बिफोर इनकॉर्पोरेशन होते हैं। यहाँ पे हम लोग वही सारी चीज एक टेबल में देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास क्या है, प्री इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, टाइमेशन, सेल्स रेशियो। ठीक है, प्री में क्या क्या आता है, इंटरेस्ट टू वेंडर एंड सैलरी टू वेंडर। ठीक है, पोस्ट में क्या आता है, फीस टू डायरेक्टर्स, सैलरी टू डायरेक्टर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिस्काउंट ऑफ डिबेंचर, रिटर्न ऑफ, जो भी रिटर्न ऑफ है सब इधर आ जाएगा, एंड एप्रोप्रिएशन बाय कंपनी। ठीक है, टाइम रेशियो क्या होता है, फिक्स रेशियो जो आपके मंथली में फिक्स होते हैं। जैसे इसमें एक होता है, एक तो फिक्स एक्सपेंस होते हैं, दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। उसमें आपके पास क्या क्या है, रेंट, इंश्योरेंस, प्रिंटिंग, डेप्रिसिएशन, ऑडिट फीस, पोस्टेज। ऑडिट फीस कभी भी आपका पोस्ट में जाएगा, वो आपके सेंटेंस के ऊपर, एडजस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कि टाइम पे जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये आपका हमेशा किधर जाता है, पोस्ट में जाता है। ठीक है, और ये जो रेंट है आपको हर महीने पे करना पड़ता है, इंश्योरेंस और प्रीमियम आपको हर महीने पे करना पड़ता है, ये सारी फिक्स चीजें हैं। ठीक है, सेल्स विच कैन चेंज, कभी भी थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है वो। एक तो होता है ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट में हमेशा वो कैलकुलेट होता है। दूसरा सैलरी टू सेल्समैन, सेल कमीशन, एडवर्टाइजमेंट आउट, सॉरी कैरियर आउटवर्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, ये सारे कहाँ पे जाते हैं, सेल्स रेशियो पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वर्टिकल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। ये हमारा वर्टिकल स्टेटमेंट है, यहाँ पे इनकम है और यहाँ पे एक्सपेंसेस है। ठीक है, चार कॉलम बनते हैं, पांच कॉलम, एक पर्टिकुलर्स, टोटल, बेसिस, प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। बेसिस में आपका सेल्स है, टाइम है, पोस्ट है, मतलब स्पेसिफिक। ठीक है, जैसे डायरेक्टर्स फीस है, ये स्पेसिफिक है कि ये पोस्ट में ही जाएगा, तो इसको हम लोग सिर्फ पोस्ट में लिखेंगे, प्री में कोई एंट्री नहीं आएगी। वही अगर बोला है रेंट, टाइम पे कैलकुलेट करने को बोला है, तो रेंट का जो भी अमाउंट रहेगा उसको टाइम के रेशियो में हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर जैसा तो क्या बोला हम लोग को, इफ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड शोज प्रॉफिट, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड क्या करता है, अगर प्रॉफिट दिखाता है, देन इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, एंड इफ इट शोज लॉस देन इट विल बी शोन ऑन एज गुडविल। अगर इधर प्रॉफिट है तो कैपिटल रिजर्व दिखाया जाएगा, लॉस है तो गुडविल। व्हेयर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड शोज प्रॉफिट और लॉस, देन इट विल बी ट्रीटेड एज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अगर पोस्ट में आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया है तो उसी में आप सिर्फ नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस यूज करोगे, अगर प्री में दिखाया है तो आपको कैपिटल रिजर्व या गुडविल ट्रीट करना है। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव इज कैलकुलेटेड ऑन परचेस रेशियो, डिस्काउंट रिसीव, आपने कोई डिस्काउंट रिसीव किया है, ऐसे तो क्वेश्चन में जो बोला है उस पे आपको हिंट दे देंगे वो लोग, हम लोग को सिर्फ कैलकुलेट करना है। ओके, एक और चीज है मेरे पास, वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, छोटा सा पार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटीज में, लाइबिलिटीज में हमारे पास दो पार्ट है, नॉन करंट लाइबिलिटी एंड एक है करंट लाइबिलिटी। इक्विटी में हमारे पास है शेयर होल्डर्स फंड, एक तो होता है शेयर कैपिटल, दूसरा होता है रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, नॉन करंट में हर चीज मतलब लॉन्ग टर्म के लिए होती है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अदर टर्म सॉरी लॉन्ग टर्म प्रोविजन लॉन्ग में होता है। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज क्या होते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए डील करते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल, दैट इज योर बिल्स पेएबल। ठीक है, अदर करंट लाइबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जो भी होता है आपको लाइबिलिटी का टोटल इधर करना पड़ता है। असेट में आपके पास दो टाइप है, एक है नॉन करंट असेट एंड दूसरा है करंट असेट। नॉन करंट असेट में क्या क्या है, आपके पास फिक्स असेट दो टाइप के होते हैं, टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल। नेक्स्ट है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट असेट। ठीक है, वेयर्स करंट असेट में आपके पास क्या क्या आते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल, दैट इज योर बिल रिसीवेबल, कैश और कैश इक्विवेलेंट, अगर कोई ट्रांजेक्शन कैश में हुआ है या कैश रिलेटेड कोई भी चीज में हुआ है तो हम लोग उसको इधर लिखेंगे। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस अदर करंट असेट। ठीक है, यहाँ पे ये दो कॉलम होते हैं, एक तो होता है रुपीस का, दूसरा होता है नोट्स का, कि मतलब अगर कोई भी चीज का कैलकुलेशन, जैसे कैपिटल रिजर्व, शेयर कैपिटल बोला आपको, तो इसमें जो भी छोटे मोटे एडजस्टमेंट हो गए आप पहले एक जगह पूरा कैलकुलेट करोगे और फिर नोट नंबर लिखोगे यहाँ पे। ओके, वर्किंग नोट टाइप। ओके, सो हम लोग यहाँ पे वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट एंड वर्टिकल फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट देखा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा फॉर्मेट ऑफ एक्सप्लेनेशन सब खत्म होता है। आपके लिए एक होमवर्क है मेरी तरफ से, कि आपको एक शॉर्ट नोट लिखना पड़ेगा,
शॉर्ट नोट प्रॉफिट पैरा इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सो आपको लिखना है, और लिख के या तो आप भेज तो नहीं सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।